नमस्कार दैंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदा। सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने मामले में चार्जशीट दाखिल। कन्हैया कुमार उमर खालिद समेत 10 लोगों को बनाया आरोपी। देश भर में मकर संक्रांति का उल्लास। दिन भर चला दान पुण्य का दौर। हर तरफ गूंजा वो काटा शोर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार के साथ उड़ाई पतंग। राज्यपाल ने दिलाई गुलाबचंद कटारिया को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। कटारिया ने कहा प्रतिपक्ष में रहकर रखेंगे लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान। और राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार से। सीपी जोशी होंगे विधानसभा स्पीकर। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने मामले में दिल्ली पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद चार्जशीट दायर कर ली है। जानकारी के अनुसार इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार उमर खालिद और अनिबन भट्टाचार्य समेत कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें इन 3 छात्रों के अलावा बाकी 7 कश्मीरी छात्र हैं। कहा जा रहा है कि इनके नाम चार्जशीट की कॉलम नंबर 11 में रखे गए हैं, जिसका मतलब है कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसका यह भी मतलब है कि इन पर केस चल सकता है। कोर्ट ने चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह, दंगा भड़काने, अवैध तरीके से जमा होना और साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। इस चार्जशीट में कुल 46 लोग आरोपी बनाए गए हैं। 1200 पन्ने की इस चार्जशीट को फाइनल करने में पुलिस ने 3 साल लगा दिए। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति दिसंबर महीने में 8 महीने के निचले स्तर पर जाकर 3.80% रही। इसका मुख्य कारण ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होना है। नवंबर में थोक मुद्रा स्फीति 4.64% थी, जबकि दिसंबर 2017 में ये 0.58% थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में खाद्य पदार्थों में 0.07% महंगाई घटी है, जबकि नवंबर में ये 3.31% थी। इसी तरह सब्जियों की कीमतों में भी कमी देखी गई। दिसंबर में ये 17.55% रही, हालांकि नवंबर में ये 26.98% थी। ईंधन व ऊर्जा क्षेत्र में दिसंबर में मुद्रास्फीति घटकर 8.38% रही, जो नवंबर की 16.28% मुद्रास्फीति के मुकाबले लगभग आधी है। इसकी अहम वजह दिसंबर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आना है। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति तय करने के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों का ही इस्तेमाल करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत की वेबसाइट को हैकरों ने छेड़खानी कर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख डाला। शेखावत की साइट हैक करने के बाद हैकरों ने धमकी भरा संदेश भी लिख डाला। गौरतलब है कि शेखावत की वेबसाइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ दिख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उनकी वेबसाइट को सही कर लिया गया। इस संबंध में केंद्रीय कृषि राज्य और किसान कल्याण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये पुरानी वेबसाइट थी, जिसका प्रयोग उन्होंने काफी पहले बंद कर दिया है। वेबसाइट को हैक करने के बाद हैकरों ने लिखा है कि तेरी औकात नहीं है पाकिस्तान पर हमला करने की, तुम फैंटम उरी जैसे 1-2 और फिल्में बनवाओ। उसके बाद हैकर ने कैच इफ यू कैन लिखते हुए अपनी मेल आईडी भी लिखी है। इससे पहले भी भारत के रक्षा प्रतिष्ठान के अलावा भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट हैकरों के निशाने पर रही है। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका के मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति अशोक कौल की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर के अपने फैसले में कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के अनुरूप 73 वर्षीय कुमार ने 31 दिसंबर 2018 को एक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। कुमार को दिल्ली छावनी के राजनगर पार्ट 1 इलाके में 1-2 नवंबर 1984 को 5 सिखों की हत्या करने तथा 1 गुरुद्वारा जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया एवं सजा सुनाई गई। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश की राजधानी जयपुर में छतों पर पतंगबाजी के लिए लोगों का जमावड़ा नजर आया।
नन्हे मुन्नों से लेकर युवा और बड़े बुजुर्गों के साथ महिलाओं ने भी पतंग उड़ाने के अपने शौक को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। मकर संक्रांति पर युवाओं में भी खासा जोश नजर आया और सुबह से ही पतंगबाजी की खींच और ढील का एक बार जो सिलसिला शुरू हुआ तो देर शाम तक जारी रहा। वो काटा वो मारा का शोर हर तरफ गूंजता रहा। इस दौरान घर की छतों पर बैठे हुए लोगों में कोई पतंग में तंग डालते हुए तो कोई पतंग उड़ाते हुए तो कोई चरखी पकड़े नजर आया। मकर संक्रांति के दिन महिलाओं में भी खासा जोश नजर आया। इस दौरान लोगों ने परिवार के साथ छत पर ही खाने का आनंद लिया। किसी ने तिल के लड्डुओं गर्मा गर्म पकौड़ियों का आनंद लिया तो किसी को गजक और फीणी का स्वाद पसंद आया। कई परिवारों ने अपनी छतों पर डीजे और लाउड स्पीकर्स लगाए हुए थे। तेज संगीत की धुनों पर पतंगबाजों ने जमकर पेच लड़ाए। वो मारा वो काटा का शोर भी दिन भर अपने शबाब पर रहा। गुलाबी नगरवासी मकर संक्रांति त्योहार के खुमार में डूबे नजर आए। आम हो या खास सभी इस त्योहार का जमकर मसा ले रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने सरकारी आवास पर परिवार के साथ पतंग उड़ाने का आनंद लिया। इस दौरान कांग्रेस विचारक विकलांग मंच राजस्थान के साथ ही भी पतंगबाजी में शामिल हुए। राजस्थान में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खासतौर पर राजधानी जयपुर में पतंगबाजी का दौर आम है। आम जनता के साथ ही राजनीति की पतंगें भी जमकर राजधानी की छतों पर उड़ाई जा रही हैं। चाहे मंत्री हो या आम जनता, हर कोई पतंग उड़ा भी रहा है, काट भी रहा है। परिवहन मंत्री ने भी अपने आवास पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। इस दौरान अपनी छत पर पतंग उड़ाते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा को राजस्थान में कई घोटालों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अभी तो आम जनता ने विधानसभा में कांग्रेस को कमान सौंपी है, आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उन लोकसभा चुनाव में भी जनता राहुल गांधी पर भरोसा जताएगी और कांग्रेस को 25 की 25 सीटें दिलाएंगे। दोगुना हो गया, जीत होती है तो बड़ी खुशी होती है, मन में सेटिस्फेक्शन होता है। मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद दूंगा कि लोगों ने हमारा साथ दिया और लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। ये जीत हमारी नहीं है, राजस्थान की जनता की है और अब जनता ही मालिक है इस सरकार की, हम मालिक नहीं है। हम तो उनके मन की बात सुनेंगे, उनके मन के अनुसार काम करेंगे और कोई घमंड नहीं होगा, हाथ जोड़ के काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमें भरोसा है, लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें और मुझे पता नहीं क्यों भरोसा है कि पब्लिक हमारा साथ देगी। इसलिए साथ देगी क्यों, राजस्थान की जनता जानती है कि यदि प्रदेश की सरकार मजबूत होगी तो ये काम हो पाएगा। राजस्थान सरकार तभी मजबूत होगी जब हमें 25 की 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान की जनता देगी, क्योंकि वसुंधरा जी जिन्होंने कुछ नहीं कहा उनको आपने 25 लोकसभा की सीटें दी थी, तो कांग्रेस के इरादे तो स्पष्ट है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं सारे इरादे बीजेपी के धरे रहेंगे, 25 की 25 लोकसभा सीट जीतेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से जल महल की पाल पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खास आयोजन का मकसद देशी विदेशी सैलानियों को मकर संक्रांति के पर्व और पतंगों से रूबरू करवाना था। इस खास आयोजन का मकसद देशी विदेशी सैलानियों को मकर संक्रांति पर्व के साथ ही पतंगबाजी से रूबरू करवाना था। इस मौके पर सैकड़ों सैलानियों ने पतंग उड़ाने का तो रिपीट इस मौके पर सैकड़ों सैलानियों ने पतंग उड़ाने का तो आनंद लिया ही, साथ ही यहां लोक नृत्यों ने भी उनका खूब मनोरंजन किया। यहां कालबेलिया, कच्ची घोड़ी जैसे लोक नृत्यों और गीतों ने सैलानियों को राजस्थान की गौरवमय लोक संस्कृति से परिचय कराया। इस पतंग महोत्सव में पहुंचे देशी विदेशी सैलानियों ने माहिर पतंगबाजों की तरह पेच लड़ाए। विदेशी पर्यटकों के साथ ही बड़ी संख्या में जयपुर राइड्स भी शामिल हुए। दंगल के दौरान कई आकर्षक कंपटीशन भी देखने को मिले। विभाग की ओर से फैंसी पतंग कंपटीशन भी रखा गया था। इसमें सभी ने अपनी पतंगों को विशेष रूप से सजाया। आयोजन के बाद बेस्ट पेच, बेस्ट पतंग और बेस्ट डिजाइनर पतंग के अवार्ड भी दिए गए। यही नहीं, गजक, फीणी और तिल की मिठाइयों से भी विदेशी मेहमानों का अभिनंदन और स्वागत किया गया। सभी सैलानियों ने इस आयोजन का भरपूर लुत्फ उठाया और सराहना की। मकर संक्रांति के दिन दान, तीर्थ स्नान और यज्ञ का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दिया गया दान इस जन्म और अगले जन्म में करोड़ों गुना होकर मिलता है। इस दिन तिल से बनी वस्तुएं खाने का महत्व है। मान्यता के मुताबिक सुबह उठकर तिल के उपटन से स्नान करने के बाद तांबे के बर्तन से सूर्य को जल अर्पण किया जाता है। इस दिन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म भी करती हैं। कई जगह मिट्टी के बर्तनों को हल्दी से सजाया जाता है और इनमें गन्ने, अनाज, हल्दी, रुई और सिक्के रखे जाते हैं। मकर संक्रांति पर छोटी काशी में जमकर दान पुण्य का दौर जारी है। लोगों ने गायों को हरा चारा खिलाया तो निर्धन और असहाय लोगों को दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाया।
गलता तीर्थ में भी मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। गलता तीर्थ में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। लोगों ने असहाय और पीड़ितों को दान दक्षिणा भी दी। सुहागिन महिलाओं ने 14-14 वस्तुओं का दान किया। यहां आए लोगों ने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है, इसी के चलते गलता तीर्थ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। छोटी काशी के मंदिरों में मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े। इस दिन श्रद्धालुओं ने जमकर दान पुण्य किया। सोडाला स्थित बैकुंठ धाम मंदिर में भी लोगों ने गायों को हरा चारा खिलाया तो निर्धन और असहाय लोगों को दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाया। मंदिर के महंत ने कहा कि इस दिन दान पुण्य करने से बड़ा पुण्य मिलता है। आज मकर संक्रांति का पर्व है और ये पर्व बहुत अच्छा माना जाता है। आज से ही प्रयाग में कुंभ का मेला भी लगा हुआ है और मकर संक्रांति को जो पुण्य किया जाता है उसका हजारों वर्ष में जो तप करो दान करो उसका फल आज दान करने से मिल जाता है। महिलाएं खास तौर करके इस कि दान पुण्य में ज़्यादा रुचि रखती हैं। मकर संक्रांति का आज जो है संवत 2045 विक्रम संवत और समझो विक्रम संवत 2240 आज का पौष मास है और शुक्ल पक्ष से 8 है आज की, तो भगवान की दया से जो पुण्य करते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। पतंगबाजी के शौकीन पतंगों को उड़ाकर जहां अपने इस शौक को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं युवाओं का एक तबका ऐसा भी है जिसने हर साल की तरह इस बार भी पतंगे नहीं उड़ाने का संकल्प लिया है। शहर में युवाओं की कुछ संस्थाएं पतंगों की डोर और मांझी से घायल हुए बेजुबान पक्षियों की जान बचाने में जुटी नजर आई। हर साल की तरह इस बार भी शहर में जगह जगह बर्ड रेस्क्यू एंड मेडिकल कैंप लगे हैं। दिखने में भले ही ये कैंप बेहद छोटा सा नजर आए लेकिन ये कैंप जैसे घायल पक्षियों के लिए वरदान बन गए हैं। कैंप में ही खास तरह का ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है जिसमें अनुभवी युवा वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम हर हाल में इन पक्षियों को नया जीवन देने का काम करती है। घायल पक्षियों को इलाज के बाद कागज के बने बॉक्सों पर रखा जाता है। मकर संक्रांति पर दिन भर इन कैंपों में घायल पक्षियों के आने का दौर जारी रहा। हर साल की तरह सन 2006 से हम लोग इसी जगह पे जयपुर का पहला कैंप लगाया था मैंने सन 2006 में और इस साल भी हम लोग ने वहीं पे उसी जगह कैंप लगाया है और पक्षियों को बचाने के लिए इस बार पूरे भारत में जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो एविन मेडिसिन में काम करते हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। एक डॉक्टर रानी थॉमस हैं जो केरला से आई हैं, एक कौंडिन्या है डॉक्टर कौंडिन्या जो साउथ से कर्नाटका से आए हैं, डॉक्टर रीना देव है जो मुंबई से आई हैं, डॉक्टर उषमा पटेल हैं जो नागपुर से आई हैं, डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं जो हमारे सीनियर वेटनरी सर्जन हैं जो यहाँ के अपने वेटनरी एरिया वेटनरी विभाग के हेड हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और इसके अलावा डॉक्टर राजवीर हैं जो यहाँ के राज्य उसमें लगे हुए हैं गवर्नमेंट सर्विस में वो भी यहाँ पे एज वॉलंटियर आए हुए हैं और ये सारे ही डॉक्टर्स पक्षियों की मुहिम में बचाने में लगे हुए हैं और हर तरीके का सर्जिकल इंटरवेंशन हम लोग इसी जगह पर यहाँ पर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं गैस एनेस्थीसिया लगाया हुआ है, आइसोफ्लोरिन गैस एनेस्थीसिया है, ये सबसे पर्याप्त होता है, सबसे बढ़िया होता है बड़े बर्ड्स को ऑपरेट करने में। राजभवन में गुलाब चंद कटारिया ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर पद शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। राजभवन में हुए प्रोटेम स्पीकर पद के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित तमाम नेता मौजूद रहे। राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह ने गुलाबचंद कटारिया को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद अब गुलाबचंद कटारिया विधानसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इस दौरान गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जनता ने हमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना है, अब हम प्रतिपक्ष में रहकर लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। क्या है कि अपने संविधान ने इस प्रकार की व्यवस्था की है और कुछ परिपाटी भी अपनी ऐसी है कि जो विधानसभा में सबसे लंबे समय का जिसका कार्यकाल होता है उसको प्रोटेम स्पीकर का ये जिम्मेदारी देती है, तो आज मेरी शपथ हुई है, अब मैं बाकी लोगों को दो दिन में शपथ ग्रहण करने का काम पूरा करूंगा और उसके साथ ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद विधिवत विधानसभा जिस सिस्टम से चलनी है नए स्पीकर के देखरेख में
आगे की सारी कार्रवाई प्रारंभ। तो आप निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष है, लोकतंत्र में जनता का जो मैंडेट मिला है उसको सर माथे पर, जनता ने हमको प्रतिपक्ष का काम दिया है, हम प्रतिपक्ष में रह करके लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार 15 तारीख से शुरू हो रहा है। इसे ठीक एक दिन पहले आलाकमान ने विधानसभा अध्यक्ष के पद के नाम पर मोहर लगा दी। मिली जानकारी के अनुसार नाथ द्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर होंगे। उनके नाम पर राहुल गांधी ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा महेश जोशी को मुख्य सचेतक बनाया जा रहा है, महेंद्र चौधरी को उप मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। इस पर राजस्थान विधानसभा में निर्णय होगा। पहले प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे, फिर कांग्रेस विधायकों को शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि नाथ द्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा चुनाव 2008 में सीएम पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन एक वोट से हार जाने से सीएम की रेस से बाहर हो गए थे। डॉक्टर सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हार्ट की बीमारी से पीड़ित 9 साल की पारुल ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर जाकर उनका आभार जताया। गौरतलब है कि उदयपुर की रहने वाली 9 साल की पारुल के दिल में 2 छेद थे, जिसका राजस्थान बाल स्वास्थ्य कल्याण के तहत नारायणा अस्पताल में इलाज कराया गया। इलाज के बाद अब पारुल पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसने वसुंधरा राजे से मुलाकात कर आभार जताया। वहीं मकर संक्रांति पर पूर्व मुख्यमंत्री ने आवास पर साधुओं से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के दूसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय टीम मंगलवार को मैदान में उतरेगी। बीच के ओवरों में रन गति बनाए रखने में नाकाम साबित हो रहे महेंद्र सिंह धोनी का खराब फॉर्म चिंता का सबब है। भारत को पहले मैच में रोहित शर्मा के 22वें वनडे शतक के बावजूद 34 रन से पराजय झेलनी पड़ी। धोनी ने 96 गेंद में 51 रन बनाए और वह स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके। उनकी इस धीमी पारी से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की संभावना बनती है। धोनी 5वें नंबर पर उतरते हैं और उपकप्तान रोहित का मानना है कि उन्हें ऊपर आना चाहिए। भारतीय टीम के अभ्यास सत्र को देखकर हालांकि स्पष्ट है कि टीम बल्लेबाजी क्रम में फिलहाल बदलाव नहीं करेगी। सिडनी क्रिकेट मैदान पर धोनी को पारी के चौथे ओवर में ही उतारना पड़ा, जो कम ही होता है। पिछले 2 साल से रोहित, शिखर धवन और विराट कोहली का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि धोनी को कभी इतनी जल्दी नहीं आना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।